नालंदा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद दिख रहे हैं कि वे कभी भी किसी के ऊपर भी गोली चला दे रहे हैं। ताजा मामला बिहार थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार को बदमाशों ने मामूली विवाद में एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद घायल युवक राकेश को आनंद फानंद में बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। हमारे साथ बैठक था ही बहुत धोरा था सवेरे आया रूप कार्यक्रम के तुम्हें मैं हुआ अपने कार्यक्रम में लगा और देश विपिन कुमार पकड़ लिया देश रत्न ने गोली मारा कारण कोई विवाद नहीं सर उसको कोई मतलब नहीं है पहले से कोई मतलब नहीं मतलब नहीं कौन लगते हैं आप। नवादा जिले के रजौली में वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक गाड़ी से विदेशी शराब जब्त किया गया। उत्पाद निरीक्षक राजेश कुमार सिन्हा के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के क्रम में एक ब्रेजा वाहन से 180 ml के चार बोतल विदेशी शराब को जब्त किया गया। वहीं मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। रात 11 बजे के आसपास जो है एक ब्रेजा कार में 5 व्यक्ति ड्राइवर सहित सवार थे, जो रजरप्पा मंदिर से जा रहे थे। नालंदा, नूरसराय, दीपनगर, भिन्न भिन्न जगहों के लोग थे इसमें बैठे हुए। जिसकी जांच की गई तो ड्राइवर सीट के नीचे से जो है ब्लेंडर स्प्राइट के 180 ml का चार बोतल जो है बरामद हुआ, जिसके आधार पर इन चार पाँच